सदन में छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने के बाद लगातार विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने भी बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सुनकर ऐसा लगा जैसे कांग्रेस अपना जन घोषणा पत्र भूल गई हो। अमित जोगी ने इसे आर्थिक गुलामी की सौगात करार दिया और आर्थिक गुलामी की आर्थिक सौगातें गिनवाई भी। इसके अलावा अमित जोगी ने इस साल के बजट को सबसे चिंताजनक बजट बताया है। अमित जोगी ने आगे कहा कि बजट 2.5 करोड़ लोगों की जगह सिर्फ 2.5 लोगों के हितों को लेकर ही बनाया गया। ये आज तक का सबसे चिंताजनक बजट है। 8 सौगातों के रूप में किसानों को कर्जा माफी की जगह 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज, केंद्र सरकार के हाथ खींच देने के बाद 2500 की जगह मात्र 700 रुपया प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य का प्रावधान। ऐसा लगता है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को नहीं बल्कि 2.5 लोगों को देखकर ये बजट बनाया है। पहला इम्प्रेशन पड़ा है कि प्रदेश का विकास हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ सौगात दी गई है, पर कैसे क्रियान्वयन उसका होता है अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मेरे क्षेत्र में दिया गया है। पर आशा करती हूँ कि जैसे उन्होंने एक बार वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि इसको देश का प्रदेश का सबसे सुंदर जिला बनाएंगे, तो यही